नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से मैं इस नए वीडियो में। तो अभी दोस्तों मैं खड़ा हुआ हूँ अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है जो फर्स्ट टाइम आते हैं अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए, कि जैसे ये भी स्टेशन है, यहाँ भी ट्रेनें रुकती हैं और अयोध्या धाम जंक्शन पर भी रुकती हैं, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाला लखनऊ के साइड से आएंगे तो ये वाला पहले पड़ेगा, अयोध्या धाम बाद में पड़ेगा, और बनारस के साइड से आएंगे तो अयोध्या धाम पहले पड़ेगा, ये बाद में पड़ेगा। तो जैसे लोग आते हैं और कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या जाएं, अगर यहाँ से उतरते हैं तो राम मंदिर कैसे जाएं, इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या चीज़ें कैसे रहेंगी। इधर देख सकते हैं ये पूरा रेलवे स्टेशन लूज पॉइंट से काफ़ी आगे तक है, बट स्टेशन जो है यहाँ से ये पूरा काफ़ी पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का ये बना हुआ है, और मौसम भी जो है लगातार दो दिन से पानी बरस रहा है, रुक रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है, कहीं कहीं तो ऐसा जल भरा हो चुका है क्या बताया जाए। अगर आप आते हैं स्टेशन से बाहर, अभी मैं अंदर से भी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, अगर आप स्टेशन से बाहर आते हैं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी उधर भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, और यहाँ से जो है जैसे गाड़ियाँ वगैरह ऑटो वगैरह मिलती हैं, इलेक्ट्रिक बस जो है रामपथ यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है। अभी मैं हर चीज़ चलूँगा, यहाँ से आपको पूरा जन्मभूमि पथ तक जहाँ से राम मंदिर का प्रवेश द्वार बना वहाँ तक चल के पूरा आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले चलते हैं स्टेशन के अंदर, आपको थोड़ा सा दिखा के फिर बाहर लाते हैं। ये आपको स्टेशन के बाहर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अगर आप अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन आप उतरते हैं तो, आपकी ट्रेन है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए ऐसा कुछ स्टेशन है, एकदम बिल्कुल पुराने टाइम का, अंग्रेज़ों के टाइम का, अयोध्या कैंट। बाहर जो है इलेक्ट्रिक ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रेन का पूरा टाइमिंग डिस्प्ले किया जा रहा है। ये देखिए स्टेशन कुछ ऐसा है, अयोध्या कैंट जंक्शन, काफी दूरी तक है। क्षेत्रफल के मामले में बात करते हैं स्टेशन की, ये वाला ज़्यादा है और अयोध्या धाम जो है वो कम है। तो ऐसा है दोस्तों, ये अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए अब चलते हैं बाहर, कुछ जो है टेम्पो वाले से बात करेंगे कितना मतलब लेते हैं। अगर आप लोग आइए तो थोड़ा सा आप लोग को आसानी हो जाए, अगर पॉसिबल होगा तो उनका मैं मोबाइल नंबर भी दे दूँगा कि आप कॉन्टेक्ट करके जो है टेम्पो पर मतलब जा सकें। आइए थोड़ा सा पहले उधर वाली साइड पे भी स्टेशन आपको दिखाते हैं फिर पूछते हैं। देखिए वहाँ सामने जो है ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं, चलिए चलते हैं उधर, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। बैटरी चार्जे 80%। ये देखिए दोस्तों मेन रास्ता इधर से है और एक रास्ता इधर के साइड से भी है, जिधर मोदहा रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, जिधर वो फ्लाईओवर बन रहा है, जो वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता होगा। और टिकट वगैरह देखिए दोस्तों इस साइड की ओर यहाँ पे मिलता है टिकट घर, इधर से भी आप स्टेशन के साइड जा सकते हैं अंदर की ओर, देख सकते हैं यहाँ पे इस परिसर में यहाँ पे एक मस्जिद है, जो कि मंदिर या मस्जिद जो भी हो सरकारी भूमि पे नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं पॉसिबल हो जाती हैं। आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा टेम्पो वालों से बात करते हैं, ऑटो वाले से, कि राम मंदिर जाते हैं तो कितना किराया वगैरह लेते हैं। चलिए तो दोस्तों आइए पूछते हैं यहाँ भैया लोगों से, ये लोग यहाँ पे हैं, जय श्री राम भैया। तो जैसे कि आप लोग ये बताइए, यहाँ से कोई आता है तो आप लोग कहाँ तक छोड़ते हैं? राम मंदिर तक, राम मंदिर तक गेट है राम मंदिर का, वहाँ तक ले छोड़ते हैं। अच्छा, अगर रास्ता बंद रहता है तो बगल वाले राम मंदिर के गेट के रास्ता भी अच्छा भी छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर जैसे आप एक्स्ट्रा घूम के जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता होगा। अच्छा ये बताइए कि जो आप अगर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है तो नॉर्मली क्या रेट है वहाँ तक जाने का? नॉर्मली रेट है राम मंदिर का जाने का, अगर हम सवारी के हिसाब से लेके जाते हैं तो ₹50 सवारी यहाँ। अच्छा अच्छा, वैसे अगर लेके अगर जैसे गाड़ी यहाँ बुक करके रिजर्व में जाती है ₹250 गाड़ी। अच्छा ₹250, कई लोग बैठ सकते हैं उसमें? तो पांच लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, और टाइमिंग का मतलब क्या है, एनी टाइम की किस टाइम तक मतलब अवेलेबल रहेगा ये? मतलब अगर रात को भी आते तो यही रेट रहेगा। अच्छा, रात में भी आएंगे तो यही रेट रहेगा, यही रेट रहेगा। अच्छा, जैसे अच्छा यहाँ अंदर आने तक यहाँ तक मिल जाएगी कि बाहर भी जैसे मिलेगी? अच्छा, यहाँ पे आएंगे मिल जाएंगे, मतलब मेन स्टेशन पे यहीं तक ले आपको मिलेगी। अच्छा अच्छा, सारी गाड़ी स्टैंड, ये स्टैंड है ना। अच्छा 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 अच्छा,
आपका भी भैया सेम है 250। अच्छा तो अच्छा, जैसे आपका मोबाइल नंबर अगर डाल देते हैं, कोई आता है कांटेक्ट करता है तो आप अवेलेबल हो जाएंगे उनके लिए? नंबर दिन में तो रहते हैं, रात में फिर देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो दिन में रहता है वो ले जाएगा, जो रात में रहता है 250 रुपया। अच्छा अच्छा, मतलब 250 रुपए है। हाँ, 250 रुपया रात में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़ सके। हाँ, जैसे रात में 50 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, रात में 50 रुपया बस, अगर 5 सवारी बैठती है तो। आप भी भैया चलाते हैं ऑटो? चलाते हैं। चलिए ठीक है, मतलब 250 रुपए है किराया, ठीक है। 250 है, मगर कह दीजिए सीधा नहीं जाने देते हैं। हाँ हाँ, उद्या से घुमा देते हैं, मगर टेढ़ी बजा तक जाने के लिए हम लोग का वो। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कि आपको राम मंदिर के दरबार टकले छोड़ा जाए। हाँ हाँ, वहाँ जहाँ दरबार है वहाँ टकले छोड़ा जाता है। तो दोस्तों बेसिकली कहने का ये है कि जैसे कभी कदार है कि पुलिस वगैरह रोकती, कभी कदार अगर नहीं रोकती है तो आपको सीधा जन्मभूमि द्वार तक ही मतलब छोड़ा जाएगा, और अगर पुलिस रहती है तो आपको घुमा के जितना नजदीकी हो सकेगा इन लोग खोलने का प्रयास करेंगे। और जैसे आप और घूमना भी चाहते हैं इधर उधर, तो आप लोग बात करके इन लोग से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो भी पैसा होगा, और भी जगहों पे घूम सकते हैं। तो धन्यवाद भैया आप लोगों का। अगर कोई आता है तो आप लोग थोड़ा सा अपना सहयोग पूरा दीजिएगा। तो आप लोगों का नंबर हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, कोई आता है तो कॉन्टेक्ट कर लेगा, ठीक है। आप लोग अपना पूरा वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम चलते हैं बाइक से, अपने इधर से होते हुए आपको पूरा राम मंदिर प्रवेश द्वार तक चलेंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। ऑटो वगैरह मिलती रहती है, हमने कुछ नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप पूरा का पूरा किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, अपने हिसाब से आप बात कर लीजिएगा। किराए वगैरह के बारे में आपको पता ही चल चुका है क्या चीज़ें कैसे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ से। अगर जैसे आप आते हैं अकेले और आप थोड़ा वॉक करके मेन रामपथ तक जा सकते हैं, अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी मिलती है, मगर इलेक्ट्रिक बस जो है पूरा का पूरा एकदम जो है ज़्यादा भरा ही रहता है। तो आप यहीं से ऑटो करके आराम से जो है जा सकते हैं, अगर 4-5 लोग आते हैं बुक करके, सिंगल आते हैं सिंगल का भी उन्होंने चार्ज वगैरह बताया उन लोगों ने। तो काफ़ी सारे नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, किसी भी आप कांटेक्ट करके आके मतलब वो कर सकते हैं, जा सकते हैं। यह है गुरु गोविंद सिंह चौक। अयोध्या धाम और इधर ये अयोध्या, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये पहले फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी तो पूरा जो है कम्प्लीट अयोध्या हो चुका है। अभी हम चलेंगे आपको दिखाएं जहाँ से अयोध्या प्रवेश द्वार, मेन अयोध्या शुरू होती है। सबसे ज़्यादा सुविधाएं जो है आपको इसी साइड मिलेंगी, जैसे कि कुछ भी हॉस्पिटलिटी की सुविधा हो, मतलब हॉस्पिटल वगैरह आपको इधर ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और भी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इधर ही मिलेंगी। उधर जो है पूरा जो है धार्मिक टाइप की चीज़ें जो है आपको मतलब देखने को मिलेंगी, मंदिर वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ का तहसील जो है यहाँ पे है सदर तहसील, ये है हर चीज़ आपको मतलब डीएम आवास और मजिस्ट्रेट आवास, जज आवास, सब कुछ आपको इधर ही साइड मिलेगा, पूरा इसी साइड। देखिए सबके आवास यहाँ पे, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग आवास, और यहाँ से सीधा अब रामपथ मार्ग जो कि हम निकलेंगे एकदम वहाँ पे उस जगह पे अयोध्या के कैंट बस स्टेशन के पास। ये भी आज आप देख लीजिए कि कितनी दूरी पे है। तो वीडियो की लेंथ बड़ी होगी, होने दीजिए, मतलब डिटेलिंग आपको पूरी मिल जाएगी क्या चीज़ें कैसे हैं। देखिए ये आ चुके हैं हम रामपथ मार्ग पे, वहाँ पे देखिए ये अयोध्या का कैंट बस स्टेशन, उस पॉइंट पे वहाँ पे बसें खड़ी हुई बिल्कुल पास में नज़र आ रहा है। और इधर से अयोध्या के अंदर अगर आप टेम्पो बुक करते हैं तो आपको इन्हीं रास्तों से मतलब ले जाएंगे लोग, और आप जैसे इलेक्ट्रिक बस के थ्रू जाना चाहते हैं थोड़ा सा तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बस आपको मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ से हम आपको शहर का भी दृश्य दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहिए कि अयोध्या शहर कैसा है।
ये कल्याण ज्वेलर्स जो है इसका उद्घाटन श्री अमिताभ बच्चन जी आके किए थे। देखिए ये पूरा जो है रोड बना हुआ है, रामपथ मार्ग यही है। देखिए आपको इधर सब शोरूम वगैरह ये सारी चीज़ें होटल्स वगैरह ये सब देखने को बहुत मिलेंगे और शहर भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए इधर भी देख सकते हैं सब स्टोर खुले हैं, ट्रेन के हैं, तिरुपति होटल है, साने अवध है यहाँ पे। ये देखिए ये कितना अच्छा खुला है यार, क्या मस्त स्टोर। पार्क वेन्यू कलर प्लस पार्क और रेमेंड देख रहे हैं, नया स्टोर कितना अच्छा खुला है, मानना पड़ेगा यार बहुत सुंदर। नगर निगम ऑफिस ठीक पीछे नगर निगम के पास ही खुला हुआ है। नगर निगम ऑफिस के पास अभी मौके पे हम कार्यालय। देखिए यहाँ पे नगर निगम क्योंकि शुद्ध पेयजल की सुविधा यहाँ पे है, जैसा कि मैंने बताया था आपको रामपथ पे जगह जगह मिल जाएगा पानी पीने की सुविधा, शौचालय ये सारी चीज़ें। देखिए दुर्गा पूजा की भी तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं इस पॉइंट पे। स्ट्रीट लाइट भी देखिए कितनी अच्छे से लगी हुई है, एकदम धनुष आकार की। किसी भी रोड से अयोध्या में प्रवेश करेंगे आपको जो है ऐसी ही स्ट्रीट लाइट देखने को मिलेगी। आप वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो राम मंदिर आना चाहते हैं, जिनका टिकट जो है रेलवे के थ्रू अयोध्या कैंट तक हुआ है, उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी अगर वो बाहर आते हैं राम मंदिर जाने के लिए। इस समय जो है एकदम पीक टाइम है ऑफिस जाने वाने का, तो ट्रैफिक वगैरह भी जो है काफ़ी ज़्यादा। अब आ चुके हैं हम रिकाबगंज चौराहे पे, यहाँ से हम घूमेंगे लेफ्ट साइड की ओर। मैं जो है रामपथ मार्ग पर से ही चलूँगा, हो सकता है ऑटो वाला जो है अगर आए तो सीधे भी रास्ता पड़ता है सीधे भी जा सके, बट मैं आपको दिखाने के लिए इधर से चलता हूँ जो ये रोड बनाई गई है। इससे भी आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं मुझे रामपथ मार्ग से ही चलना है तो आपको ले चलेगा, ये सारे आप लुफ्त उठाते हुए ये सारी चीज़ें देखते हुए जा सकते हैं। City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. अब दोस्तों हम आ चुके हैं नियावा चौराहा, यहाँ से जो है ये रामपथ घूमता है राइट साइड की ओर, सीधे गुप्तार घाट की ओर जा सकते हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं तो गुप्तार घाट भी ज़रूर जाइएगा घूमने राम मंदिर दर्शन करने के बाद। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, अब पूरा आपको यहाँ सब जो है अगल बगल स्टोर शहर यही सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ की स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हैं आप थोड़ी सी चेंज है। देखिए आप पूरा डिज़ाइन वगैरह भी देख सकते हैं वी मार्ट वगैरह की, जो कि ऐसे डिज़ाइन आपको सिर्फ अयोध्या में ही देखने को मिलेगी। मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है, ठंडी जैसा भी लग रहा है।
देखिए अयोध्या के पहले मॉल के पास हम आ चुके हैं। देखिए ये है अयोध्या का पहला मॉल, नीचे मॉल है ऊपर होटल है। देखिए अभी भी सब निर्माण कार्य चल ही रहा है। दोस्तों हम जो है पहुंच चुके हैं गुदरी बाजार चौराहे पे। सामने आ चुका है गुदरी, देखिए कितनी अच्छी अच्छी सीट्स वगैरह लगी है, बैठने वाला सब बना हुआ है। देखिए कितना अच्छा अच्छा डिजाइन है ये सारी, इधर की साइड देखिए बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पे पानी पीने वाला बना हुआ है, गुदरी बाजार चौराहे पे, ये है गुदरी बाजार चौराहा। रिकाबगंज से जो हम आपको बता रहे थे कि अगर आते तो आप इस जगह पे भी निकल सकते थे, आगे भी निकल सकते हैं, और इधर से ये 14 कोसी पे जा सकते हैं पीछे भी, जिसका कि निर्माण कार्य पूरा चल रहा है इस समय। चलिए हम चलते हैं आगे सीधे। अगर ट्रैफिक ना रहे तो 5 मिनट में आदमी पहुंच जाए राम मंदिर तक। देखिए कैसे ये मिट्टी वगैरह हटाने की साफ़ सफाई कर रहे हैं। रामपथ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है रूल कि गंदगी वगैरह साफ़ सफाई, पानी वगैरह लग जाए तुरंत हटाओ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। देखिए ये देखिए फ्रंट डिज़ाइन कितनी अच्छी बनी हुई है। इलेक्ट्रिक बस भी देखिए जा रही है, बहुत मगर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पैसा थोड़ा सा लगेगा आप ऑटो से आइए। और इलेक्ट्रिक बस का एडवांटेज एक ही है कि आप जो है मेन अयोध्या में भी जा सकते हैं, इसको मतलब पूरा आदेश है कि पूरे अयोध्या में ये कहीं भी बस जा सकती है, बट चलती इसी रोड पे है और हाईवे पे भी चलती है। ये देखिए दोस्तों इस पॉइंट पे कितना ज़्यादा चौड़ा है। ये देखिए यहाँ पे पानी पीने की सुविधा, बैठने के लिए बनाया गया है। सीतापुर आई हॉस्पिटल तिरहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, फ़ोन आ रहा है अटेंड करके तब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से, फ़ोन पर बात हो चुकी है। देखिए लाइन से आप उस साइड की ओर देख सकते हैं कैसे दुकानें, कैसे एक तरह के बोर्ड पूरे लगे हुए हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक बस जा रही है, ये थोड़ी सी खाली थी। तो हम आ चुके हैं अब अमानीगंज, तो बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्री करना भी लगातार जो है वो सही नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे मैं जो है कमेंट्री कर रहा हूँ।
यहाँ पे जो है अयोध्या का आईटीआई कॉलेज है सरकारी, इस पॉइंट पे यहाँ पे अब आ चुके हैं हम अयोध्या के प्रवेश द्वार पे। अब इधर के साइड आपको जो है चीज़ें जो है सिर्फ पूजा पाठ से रिलेटेड मंदिर वगैरह इस साइड की ओर प्रवेश द्वार पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कितने अच्छे से ये पूरा सब बनाया गया है बैठने वाला। यहाँ पे ये ऑफिस है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब डीएल वगैरह बनवाना है। तो देखिए बड़ी गाड़ी को कैसे 14 कोसी पे कमार की ओर भेज दिया जा रहा है, इतनी बड़ी ट्रक है कोई। ये 5 कोसी पे कमार का फ्लाईओवर है, तो हम चलेंगे सीधे यहाँ पे। देखिए जो है रोकते रहते हैं कि उधर से जाओ उधर से जाओ। देखिए कैसे लाइन पूरी लगी हुई है सीएनजी भरवाने के लिए। कितनी दूर तक लाइन लगी हुई एकदम। देखिए यहाँ तक लाइन लगी है, बताइए 1 घंटा आदमी इंतज़ार करे, 1 से 2 घंटा। अब यहाँ से जो है 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है राम मंदिर। देखते हैं आगे ट्रैफिक वगैरह मिलता है कि नहीं। आगे तो एकदम निश्चित है कि ट्रैफिक बहुत खतरनाक रहता है। देखिए लोग जा रहे हैं राम मंदिर के लिए। आ चुके हैं दोस्तों हम साकेत महाविद्यालय के पास। ये है देखिए कैसे इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे, ये तीसरी बस हमें दिखी। यहाँ कल भी पानी साफ किया जा रहा था, आज भी पानी साफ किया जा रहा है इसी पॉइंट पे। क्या बात है, कहाँ से पानी आता है इतना। देखिए यहाँ भी सीएनजी भरवाने के लिए कैसे पूरा जो है लाइनें लगी हुई हैं। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से ये पूरा बनाया गया है। सबरी रसोई, श्री राम यात्री निवास, पार्किंग, मतलब सारी चीज़ें हैं। राम मंदिर से जो है 1.5 किलोमीटर पहले ये बना हुआ है। ये वाला रूट सीधा NH 27 पे निकल जाएगा, हम चलेंगे सीधे। दीपोत्सव की भी तैयारियां जो है ज़ोर शोर से हो रही है राम की पैड़ी पे, उसकी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी।
देखिए ट्रकों से पूरा पत्थर अभी तक, मतलब अभी जब तक कंप्लीट नहीं कर राम मंदिर, ऐसे ही लाइन यहाँ पे लगी रहेगी ट्रकों की। बताइए रोड नहीं चौड़ी होती तो क्या होता, सिंगल लेन ही पहले रोड थी। अगर आप बहुत पहले की वीडियो अगर देखे होंगे किसी की, देखिए कैसे पत्थर ये पूरा आया हुआ है सब, देखिए लगा हुआ है इस पे आया हुआ है, ये एक ट्रक यहाँ पे है, ट्रक पे नंबर लिखा है RJ राजस्थान से। ये देखिए पत्थर की इतनी मोटी मोटी सिल्ली आई हुई है। ये देखिए एक द्वार है, VVIP द्वार, इधर से VVIP कहने के मतलब कोई उच्च स्तरीय अधिकारी होगा वो जा सकता है। बेहद ही नज़दीक हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। ये क्या हो रहा है, ये तो कल भी मैंने देखा था, अभी तक पानी जो है निकाला जा रहा है क्या अंदर से, पानी जो है रात में बरसा था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से जो है बड़ी गाड़ियाँ जो है जाने में दिक्कत होती है। अरे भाई तुम भी सता ली इधर, यहीं पे बैरिकेड्स है, बैरिकेड्स के आगे जो है ये आज तो फोर व्हीलर जाने भी दे रहे हैं। वही मैंने कहा कि कभी कभी जो है जाने आने देते हैं, और कभी कभी तो एकदम ऐसा बैरिकेड्स लगा देंगे कि पूछो। ये इधर रेलवे स्टेशन मार्ग है अयोध्या धाम जंक्शन के लिए, यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये राम मंदिर है। वो देखिए सामने वहाँ पे नज़र आ रहा है अयोध्या का राम जन्मभूमि पथ, यहाँ से राम मंदिर 500 मीटर की दूरी पे जाके आप राम जी के दर्शन कर सकते हैं। भाई कहाँ खड़ा करोगे यार, इसे क्या हुआ है भाई। ये देखिए यही है दोस्तों जन्मभूमि पर, जितनी सुबह आने पे उतना ही सही रहता है। यहाँ से राम मंदिर 500 मीटर की दूरी पे है। अब इसके आगे बाइक वगैरह तो जाने नहीं देंगे, इसके आगे की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके आगे की बस यहाँ से लेके पूरा राम मंदिर तक की वीडियो हमने डाली हुई है। तो ऐसा था दोस्तों ये अयोध्या कैंट जंक्शन से राम मंदिर तक का पूरा सफ़र। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, पसंद हुई तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।